तो आज हमारे साथ क्लाइंट हैं, इन्होंने हमें एंगेज किया है, रजिस्टर्ड किया है। रजिस्ट्रेशन के बाद ये मीटिंग हम इनसे करने के लिए जा रहे हैं, तो इनकी क्वेरी लेंगे। ये हक जी हैं इनका नाम, तो इनसे पूछेंगे कहाँ के रहने वाले, क्या क्वेरी है, और इस मीटिंग के थ्रू मैं उस क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले भाई साहब, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपनी इस यू मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। थैंक यू। तो सलाम सर, वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं सबसे पहले मैं सर ये पूछूंगा कि अभी आप कहाँ से बोल रहे हैं? अभी सर इधर सऊदी में है, और आपका जो आरामको प्रोजेक्ट है साइपेम का, साइपेम प्रोजेक्ट में काम करता है। ठीक है, तो पाइपिंग क्या काम करता है थोड़ा आपको डिटेल्स बाद में बोलूंगा, तो आपको रिकॉर्ड हो रहा है। इतना दूर है, मैं पाइपिंग का काम करता है इधर। ठीक है, तो मेरा मेरा फुल डिस्क्रिप्शन देगा तो मैं बांग्लादेश से है। अच्छा, तो बांग्लादेश में मेरा डिप्लोमा कंप्लीट किया आपका शिप कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में। ठीक है ठीक है, तो उधर मैं दो कंपनी का जॉब किया, वेस्टर्न मरीन शिपयार्ड और दूसरा सुपर बोर्ड, जो हमारा मैकेनिकल डिपार्टमेंट सुपर बोर्ड में मैं जॉब किया, सब असिस्टेंट इंजीनियर में। ठीक है, तो अभी इधर जो जॉब कर रहा है, पहला बेसिकली 5 मीटर में आया था दिशा में, ठीक अभी है, ऑफिशियली क्यूसी का काम देख रहा है। ठीक है, ठीक है, तो क्यूसी का मतलब पाइपिंग का क्यूसी का ही काम देख रहा है। ठीक है। तो अभी जो आपके साथ है, आपका वीडियो मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ, लगभग 2 महीना हो गया। ठीक है, ठीक तो है, मेरे एक ऑफर भी आया, मतलब आपको लातविया से बात चल रहा है मेरा एक कंपनी के साथ। तो इधर जो हो रहा है, उधर हमारा एक आदमी गया वो कंपनी पे, इधर से ही गया, उसके बाद तो एजेंसी थ्रू से गया। ठीक बट है, मेरे को ऐसे लगा था जो एजेंसी थ्रू से जा रहा है, मैं मेरा क्वालिफिकेशन है, अभी जॉब भी रनिंग है सेम पोजीशन में 5 मीटर में, ठीक है, तो मैं थोड़ा वो कंपनी का एचआर में बात करेगा तो मेरा कुछ होगा, ऐसा जो सोचा वही कर लिया। उधर एक सीवी भेजा मेल में, देन वो आदमी के साथ मेरा कंसल्ट भी हुआ ठीक है, एचआर का, ठीक है, तो लोग हम लोग से इंटरव्यू लिया। ठीक है, इंटरव्यू लेने के बाद अभी अभी अगला प्रोसेस चल रहा है, जो प्रोसेस के लिए मैं आपको कंसल्ट के लिए क्या क्या करेगा तो अच्छा होगा नहीं होगा इसके लिए आपको चूज किया, ठीक। यही है। तो ठीक है सर, अभी आपको सारा डिस्कशन करके हम बताएंगे कि आपके लिए क्या कैसे रहेगा। तो सबसे पहले, आपने हमारी जितनी भी वीडियोस देखी हैं, जो हम वीडियोस डालते हैं अपने सोशल मीडिया के ऊपर, उन वीडियोस का क्या फीडबैक है? वो कैसी वीडियोस हैं? हेलो, वीडियोस देखा है आपका, तो स्टडी भी सर ज्यादा वीडियो है। हाँ, तो बट स्टडी से मैं उधर से आपको जो लातविया का ही ज्यादा देखता था, जिस टाइम से मेरा ये बात चल रहा है लातविया से, ठीक है, तो उधर आपका जो कौन सा टाइम किसके लिए रिफ्यूजल हो रहा है, तो प्रेस किया है, हेलो वेरीफाई होता है, मतलब ये जो सीखने का चीज है मेरा, तो थोड़ा अभी मालूम है कौन सा प्रोसेस किसका जा रहा है, कैसे कैसे जा रहा है स्टेप। बट ठीक है, अभी ठीक भी मेरा को इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया, मतलब जो भी एक प्रोफेशनल काम करता है, जैसे आप लोग प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, मैं जैसा मेरा मालूम है कैसे पाइपिंग का जॉब करेगा तो पाइपिंग का मालूम हो रहा है, कैसे क्या करेगा तो ऐसा ही होगा। बट आप लोग अभी एम्बेसी के थ्रू काम कर रहे हैं कंसल्टेंट जैसा, तो नहीं, आपका मालूम आप होगा ये नहीं, काम कैसे नहीं कैसे भाई, अगर अगर मैं पाइपिंग की जॉब करूंगा तो क्या मैं उसको कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? अभी पाइपिंग की जॉब अगर करनी है मैंने, अगर शिपिंग कंपनी के अंदर, तो मुझसे हो जाएगी कि नहीं होगी? नहीं आप नहीं नहीं आपका आपका तो अभी तो जो भी करना है तो सीखना पड़ेगा ना, तो हम लोग तो सीख लिया, हम लोग को इजी हो गया। पर आप लोग अभी एम्बेसी का काम कर रहे हैं, जो वीसा का काम कर रहे हैं, लोग प्रोफेशनल है उधर, उसके लिए हम लोग मदद चाह रहे हैं, जो क्या करेगा हम लोग के लिए अच्छा होगा। आपसे एक चीज पूछेंगे, बार 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 समझते, बार 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 बार
जो कटिंग करता है, बार्बर मतलब जो कटिंग करने वाला होता है। हाँ हाँ कटिंग करता है। हाँ, हाँ, तो हाँ, क्या वो कटिंग करने वाला अपनी कटिंग खुद कर सकता है? सॉरी अगेन, मैंने ये पूछा कि जो कटिंग करने वाला होता है वो अपनी कटिंग खुद कर सकता है? जो फाइव पीटर है वो तो आपका फाइबिंग के काटिंग बोलो ग्राइंडिंग बोलो सब कुछ करना होता था, नहीं नहीं तो मैंने उसका बिना वो कैसे काटिंग करेगा? नहीं, बार्बर की बात कर रहा हूँ। बार्बर जो कटिंग करने वाला होता है, अगर उसने अपनी कटिंग करवानी है तो वो खुद कर लेगा कटिंग? आपका जो पहला जो वर्ड बोल रहा है ये मेरा दिमाग में नहीं आ रहा है, जो भी तो हो मैंने ये ये हिंदी ज्यादा बताया, नहीं आता है। हिंदी ऐसे है कि जैसे कोई डॉक्टर है, जैसे कोई डॉक्टर होता है, अगर हाँ, कल उसने अपना कोई ऑपरेशन करना है तो वो खुद ऑपरेशन कर लेगा अपना खुद का? नहीं अपना खुद का कैसे कर लेगा, वो तो दूसरे का अरे करेगा अपना वो दूसरा करेगा तो अगर 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 जो कटिंग करने वाला है, जो कटिंग करता है, वो अपनी कटिंग खुद कर लेगा? नहीं अपना नहीं करेगा, वो दूसरे का हाँ, कटिंग करेगा। तो इसी तरीके से जैसे आपकी अपनी स्पेशलाइजेशंस है पाइप कटिंग की, तो कल अगर पाइप कटिंग का काम आपको आता है, अगर मैं कहूँ कि मैं भी पाइप कटिंग का काम कर लूँ तो मैं थोड़ा कर पाऊंगा? तो इसी तरीके से हर एक अपने अपने फील्ड के अंदर एक्सपर्टाइज होता है, हर सबको मालूम है कि वहां पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अभी हमारे साथ एक यस मिस्टर मिस्टर कौशल जी भी जुड़ गए हैं। ये कौशल जी आपके केस के इंचार्ज रहेंगे, ये आपके केस को लुक आफ्टर करेंगे, ठीक ओके है? तो अभी मैं आपको सारा प्रोसेस ओके बताता हूँ किस वे से है। सबसे पहले तो मैं आपको स्ट्रांगली ये रिकमेंड करूंगा, अगर पॉसिबल है तो आप अपना जो केस है वर्क परमिट का, लाटविया का, सऊदी से ही डालें, अगर हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? नहीं, इधर सऊदी से एक प्रॉब्लम है, सऊदी से प्रॉब्लम हो रहा है। इधर आपका वर्क परमिट जो वीसा है वो लोग इधर से नहीं दे रहा है, वो लोग दुबई से दे रहा है, हाँ, बट दुबई, हम लोग उधर कंपनी से यहाँ पर तो एम्बेसी नहीं है, दुबई में ही जाना पड़ता है, अबू धाबी में जाना पड़ेगा, वहां पे ही लाटविया की एम्बेसी, वहां पे जाके जमा करवानी पड़ेगी फाइल आपको। अभी हमारा इंडिया से तो लातविया एम्बेसी से तो होगा हाँ बांग्लादेशी के लिए। हाँ वो तो है ऑप्शन, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी आपको फॉर इंडिया आना पड़ेगा। चलो एनी हो, मैं सबसे पहले आपका प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले जितने भी हमारे ये नहीं व्यू, सुनिए, सर, सर आपको बोल मैं आपको बोल रहा बोलो बोलो। सर, इधर जो है मैं जितना आपका बात करना का पहले, इधर सऊदी में जो देखा रहा है वो लोग सी कैटेगरी जो टूरिस्ट हो रहा है वो लोग अप्रूवल दे रहा है, बट डी कैटेगरी के लिए वो लोग दुबई का आपका एमिरेट्स कार्ड देखा रहा है वो मांगता लोग, है। बट हम लोग तो अभी दुबई में जॉब होल्डर नहीं है। मैं जिधर जॉब कर रहा है इधर से मेरा इजी है, मैं बांग्लादेश में एनी टाइम इमरजेंसी लगा के जाना पॉसिबल है, मेरा ठीक है, बांग्लादेश जाके 2 दिन के अंदर वो वीसा लगा के इंडिया भी जाता है, मुश्किल नहीं। क्यों, मैं इसे 15 दिन का छुट्टी लगाया जाएगा तो मेरा 40 दिन तक छुट्टी मिलेगा, उधर से फिर मेल भेजेगा तो मेरा कंपनी अच्छा है, ठीक ठीक है, है, ठीक, तो एक चलो सिस्टम है उसका, ठीक है। तो उसके लिए मैं इंडिया चूज किया कि आप लोग इंडिया का है, इंडिया का पूरा मेरा के लिए अच्छा होगा, ठीक है, तो इजी भी होगा। सबसे पहले ये मिस्टर हक जी ने, जो कि बांग्लादेशी सिटीजन है और सऊदी के अंदर काम कर रहे हैं, इन्होंने क्राउन इमिग्रेशन को संपर्क किया है, इन्होंने हमारी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। देखने के बाद इनको लगा कि हम इनका लाटविया का जो फाइल में हेल्प कर सकते हैं, इन्होंने वर्क परमिट की फाइल हमारे थ्रू अप्लाई करनी है। तो देखिए, इन्होंने मुझे संपर्क करने से पहले पैसे डिपॉजिट किए हैं, ये फ्री में कोई डिस्कशन नहीं हो रही है, इनको मालूम है। मैंने इनसे थोड़ी सी चैट की थी, 5 मिनट या दो चार 5 मिनट, उसके बाद मैंने कहा था कि हम आपका केस कर सकते हैं, आपको हम पूरी हेल्प करेंगे, तो दिस इज अवर फीस। तो इन्होंने उस फीस को डिपॉजिट किया है, उसके बाद मैंने इनसे ये डिस्कशन कर रहा हूँ। यस तो यस हाँ, ऐसे है कि अगर आपने अपना वर्क परमिट अप्लाई करना है, यस हाँ, लाटविया यस, का, आवाज आ रही हाँ है हाँ आपके साथ, ऐसा ही हुआ। मैं जे अमाउंट मेरा जो अमाउंट कॉन्ट है, आवाज आ रही है, मेरा जो अमाउंट आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसका 20% लगभग 20% आपको डिपॉजिट कर दिया पहला ही। ठीक है, ठीक है।
तो अभी इनसे डिस्कशन हो रही है क्योंकि बांग्लादेश से और पाकिस्तान से बहुत सारे फोन्स, बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, उनके क्वेश्चन खत्म नहीं होते, देख क्वेश्चन पे क्वेश्चन। उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट रहती है, आपका अगर केस होने वाला होगा तो हम आपको जैसे बता देंगे, आपको 2-4-5 मिनट के अंदर आपकी प्रोफाइल चेक करने के बाद। उसके बाद हम ये चाहते हैं कि अगर आपने हमारी सर्विस लेनी है तो यू नीड टू रजिस्टर विद अस, यू नीड टू डिपॉजिट XYZ अमाउंट विद अस। तो जो हम फीस लेते हैं ये आपके केस के अंदर एडजस्ट हो जाएगी और हम आपको जूम मीटिंग के थ्रू व्हाट्सएवर जो हम करेंगे उसमें आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो हक जी, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपके लिए प्रोसीजर क्या रहेगा। आपके लिए सबसे पहले हमें वीजा अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी जो लाटवियन एम्बेसी दिल्ली के अंदर है। सबसे पहले जब आपका वहां से इनविटेशन आ जाता है, इनविटेशन समझते हैं आप? नहीं सर, एडा यही आपको सर कंसल्ट करना है हाँ, उधर वहां पे मेरा एक जो सुनिए, जॉब जॉब उसमें बता देता हूँ। उसमें ये आपको एक इनविटेशन आएगा आपके एम्प्लॉयर से, जिसको OCM में, एक वहां की गवर्नमेंट की एजेंसी है जिसको हम ऑफिस ऑफ सिटीजन एंड माइग्रेशन एजेंसी कहते हैं। मैं अभी आपको बता दूं, OCMA का इनविटेशन आता है वहां से अप्रूव्ड होकर। OCMA मैं आपको एक चेकलिस्ट भी ओके भेजूंगा, OCMA का यस इनविटेशन प्लस आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट आपका एम्प्लॉयर लिखकर भेजेगा, उसके अंदर सारी की सारी टर्म एंड कंडीशन, आपकी क्या जॉब रहेगी, कितनी सैलरी है, क्या क्या फैसिलिटीज है, वो आएगा वहां से। वो आने से, आने के बाद वो आपको ओरिजिनल भेजेगा। उसको आने के बाद सबसे पहले आपने, जब यहाँ पर आना है इंडिया के अंदर, सबसे पहले आपने हमें ये सॉफ्ट कॉपी भेज देनी है। उसको मैं चेक कर लूंगा मेल के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर, मैं अपॉइंटमेंट के लिए आपका इमीडिएटली यहाँ पर डालूंगा। जब आपको अपॉइंटमेंट शेड्यूल हो जाती है, उसके बाद आप इंडिया आए, जब मैं आप बता दूंगा कि आपकी अपॉइंटमेंट 15 दिन के बाद की है, आफ्टर 15 डेज, तो उसके बाद आप इंडिया में आए। तो इंडिया में आने के बाद आपकी एक बैंक स्टेटमेंट भी लगेगी, आपकी हमें आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, जिसके अंदर जो चले गए भाई साहब, तो मैं वैसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसमें क्या क्या है, जो वर्क परमिट हमने अप्लाई करना होता है, और इसमें इस जो क्लाइंट की है बैंक स्टेटमेंट भी लगेगी, 3 मंथ ओल्ड होनी चाहिए, प्लस इसके एजुकेशन डॉक्यूमेंट, इसकी एजुकेशन डॉक्यूमेंट सेम होनी चाहिए जो जॉब के लिए जो फॉरेन कंट्रीज में जा रहा है। किसी भी जो जॉब, जो ये टेक्निकल है, अगर मैकेनिकल है, अगर मैकेनिकल जॉब के लिए लाटविया में जा रहा है, तो इसकी जो प्रीवियस एजुकेशन है दैट शुड बी रिलेटेड टू द जॉब जो आपने जाकर जॉब करनी है। आपके जितने भी वो क्या कहते हैं एक्सपीरियंस लेटर है, वो भी साथ में आपने लगाने हैं। अभी ये क्वेश्चन आता है कि क्या हेलो वेरीफाई भी रिक्वायर्ड है बांग्लादेशी के लिए? बांग्लादेशी के लिए हमने बांग्लादेश के केसेस प्रोसेस किए हैं, इनके नेपाली के केस प्रोसेस किए हैं, उनको लिए हेलो वेरीफाई की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन फिर बता दिए, आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट प्लस आपके जितने भी पास्ट एक्सपीरियंस है वो होने चाहिए। एजुकेशन डॉक्यूमेंट आपके वहां की एजेंसी से अप्रूव्ड होने चाहिए, जिसको हम अपोस्टाइल कहते हैं, ऑथेंटिकेट होने चाहिए, जो आपने अपनी एजुकेशन बांग्लादेश से ली है वो ऑथेंटिकेट जरूर हो। और साथ में आपके जो भी पास्ट एक्सपीरियंस है उसको कहीं से भी अटेस्टेशन करवाने की जरूरत नहीं, उनकी फोटो कॉपीज लगेगी। आपका एक कवरिंग लेटर प्रेजेंटेबल और आपका CV, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे, और आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक के अंदर कुछ ना कुछ पैसे जरूर हो, मैं ये कहूंगा कि आपके पास 4-5 हज़ार यूरो जरूर हो, इससे कम भी है तब भी चल जाएगा क्योंकि जॉब के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। साथ में आप प्रेजेंटली कर क्या रहे हैं, सोर्स ऑफ इनकम के डॉक्यूमेंट, अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो उसकी सैलरी स्लिप्स और वहां का जॉब लेटर या अपनी आइडेंटिटी भी साथ में फाइल में लगानी है। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट प्लस आपका कवरिंग लेटर लगाकर आपने ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर सबमिशन करवानी है लाटविया की जो एम्बेसी कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर है। तो सबमिशंस के बाद एम्बेसी 15 से 30 दिन का टाइम लेती है आपके डिसीजंस के लिए। जब डिसीजन आ जाता है तो फिर आप अपना डिसीजन लेकर, पॉजिटिव आता है तो आप फ्लाई कर सकते हैं, अगर रियल जॉब है तो देन देर इज नो एनी प्रॉब्लम, तो आपको वो वीजा दे देंगे, क्योंकि वो उनको रियल लोगों की रिक्वायरमेंट है फॉरेन कंट्रीज के अंदर। तो ये सारे के सारा रिक्वायरमेंट है, इन्होंने इसीलिए हमें अप्रोच किया था कि इन्होंने अपना वर्क परमिट का केस अप्लाई करना है। वो सर्च कर रहे थे कि कोई टेक्निकल पर्सन मिले जो उनके केस को हैंडल करे, तो वो हम इनका केस जरूर अप्लाई करेंगे। अगर आपका भी किसी कंट्री का जॉब कॉन्ट्रैक्ट आया हुआ है, आप अपना वर्क परमिट का केस अप्लाई करवाना चाहते हैं क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू, तो हम आपका अप्लाई करेंगे। क्राउन इमिग्रेशन किसी भी कंट्री का
वर्क परमिट नहीं करती है, हम किसी को जॉब नहीं प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जॉब के पेपर आपके पास आए हैं, आपको कोई वीजा अपॉइंटमेंट में रिक्वायरमेंट है, आपने कोई अपनी फाइल प्रिपेयर करनी है, आपने कोई ट्रैवल इंश्योरेंस बनाना है, आपने कोई इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, उसमें क्राउन इमिग्रेशन आपकी डेफिनेटली हेल्प कर सकता है। क्राउन इमिग्रेशन के चैनल के ऊपर इस टाइप के नंबर ऑफ वीडियोज हैं, अगर उनको भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।